जो होता है अच्छे के लिए होता है। Hey guys, welcome to my new vlog. तो मैं और जा रहे अभी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि पर वहाँ पर पानी खत्म हो गया तो हम जा रहे उधर जा रहे हम पानी लाते हैं वहाँ से। एटलीस्ट कम से कम 5 दिन के बाद करूँ मैं सही से ब्लॉग की शुरुआत। एंडिंग तो होती नहीं बट शुरुआत में सही से कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम पलम खाते खाते कपड़े धोने जा रहे हैं और कपड़े धोते धोते हम पलम खाते हैं। हमारे घर में बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब रिश्तेदार, काम करने के लिए दाल वगैरह डालते नहीं साफ करने, मतलब जो उसमें कुछ माल मोटा अगर नॉन वेज होगा तो वेज में नॉन वेज काम करना है तो इसलिए ब्लॉग थोड़ा कम शूट होता है। आई गिव यू वाटर, यू कैन वॉश क्लॉथ। ये आप देख रहे हैं एक भोली भाली क्यूट सी लड़की कपड़े धो रही है। गालियां तो भी शुमार देती हैं इनको, मतलब गालियां वैसी गालियां नहीं, जब मैं शार्ट करता हूँ तब गालियां देती है मेरे को ये। बाकी तो बहुत अच्छी है, बहुत भोली सी बेचारी है ना, अच्छी है तू, बहुत अच्छी है। एक बात बताना मेरे को, सुन किन की लग रही है वी स्माइल कर, बोला स्माइल करे कितना अच्छा व्यू है पता तेरे को, हरे भरे खेत में हरे हरे सेब। ये लक्ष्मी ने नीचे शिमला मिर्च बीजी हुई है, शिमला मिर्च और क्या बीजा हुआ तूने वे है वे मिर्च ना, हाँ ये मिर्च है इस साइड, इसमें मिर्च लगी हुई है और इस साइड इसने शिमला मिर्च उगा के रखी है, वो भी 2 लाइनें ज़्यादा नहीं। और उस साइड हरी सब्जी थी, सब्जी तो और ये है इमरजेंसी के लिए हमारे पास गर्म पानी करने के लिए, वैसे हम रोड में पानी गर्म करते हैं। और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है गांव के लिए, पर ये बड़ा गांव है जहाँ पर हमारा घर है, मतलब हमारा पुश्तैनी घर, उसको भी हम ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। मैं और लक्ष्मी जब जाएंगे, मतलब जंगल है जंगल नहीं वे, ये तेरे को पता है इतनी शानदार जगह है, लोग तरस जाते हैं इस जगह में आने के लिए, और यहाँ होके जाना पड़ता है ऊपर होके, वो खतरनाक डेंजर रास्ता है, इधर होके जाना पड़ता है वो परे गाँव के लिए। मैं कुछ व्यू बाद में बताऊंगा आपको कहाँ होके जाना पड़ता है इधर। हम्म, उसमें एक लड़की लिखा ना, तुम रिलेटिव्स बोलते उसको कि भाई तू अपने पति का नाम से क्या बोलते, मेरा मन। ये क्या कर रही है लक्ष्मी तो? क्या वॉशिंग मशीन खराब हो गई अंदर? नहीं खराब, वो अभी चल रही है, बंजार से आ जाएगी कुछ दिनों। हेलो, तो वहाँ पे वो कपड़े धो रही है, इधर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ब्लॉग शूट करते करते मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी लोगों से मिल लूँ मैं। तो ये हमारे खेत है, सेब लगे हुए हैं, उस साइड को सेब लगाया हमने, उस साइड को हमने जापानी और पलम वो लगाया, मिक्स लगाया है, मतलब प्लांटेशन मिक्स की है। मौसम थोड़ा ख़राब सा हुआ है और बाकी कुछ मन आजकल कुछ हैप्पी भी है, अच्छा भी है, तो ऐसे दूर। और आज मैंने अपनी ट्रेडिशनल जो कुलवी टोपी होती है वो लगाई है, मेरी फेवरेट टोपी है, एक ये रेड, एक ये एक किन्नौर वाली, किन्नौरी टोपी बोलते हैं उसको, उसमें फूल लगता है। स्पेशली पिछले कल मैंने उसको परचेज किया बंजार से, ये मेरे को कुछ हो रही है कि ऐसे ब्लॉग शूट करने के लिए, बट मेरे को ऐसे मज़ा नहीं आता है। किसको पता कैसे ऐसे मैंने परचेज किया? नहीं यार, मैं
एक्चुअली क्या ना बोल रहा था, ध्यान था शायद कोई आ ना जाए वहाँ से। तो क्या कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो? शर्म लग तू ना रहा तो क्या शर्म के लिए कुछ है क्या कर रहे हैं बस क्या हाँ ब्लॉग शूट करने के लिए इतना दूर तुम चाहे इसने मेरे को पता है कपड़े धोने आए थे मैं एक्चुअली ना स्पेशली कपड़े धोने यहाँ आते ये हमारा नेचुरल वाटर मतलब इसको पीते थे हम पीते क्या है अभी भी पीते हैं पानी इतना अच्छा है जैसे हमारी क्या नहीं आती करनी बात नहीं आती पर कैमरे में देखे करनी क्या मतलब यहाँ कोई देखता है कपड़े सुखाने के लिए मतलब इसको सेब का पेड़ मिला इधर तारे लगी हुई है उस पे नहीं सुखाना तारों पे डाली चादर कम पड़ेगी चलो मिलते हैं कुछ देर बाद फिर आपसे मुलाकात होगी बाय बाय का सीन कुछ ऐसा कि अभी हमने हलवा बनाया था सब लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए थे खाना वगैरह खाना नहीं मतलब काम करने के तो उनके हलवा बनाया चाहे थोड़ी देर बाद बनाएंगे दैट्स इट हलवा दिया अभी तो आटे का हलवा बनाया था हमने आज हलवा बनाया था हम लोगों ने यहाँ पे अभी बनाएंगे चाय इसमें बन रही चाय इतनी सारी और ये कप और यहाँ पे एक आदमी लोग सारे काम कर रहे हैं और ये आदमी सिर्फ बेला बैठ के यहाँ पे फ़ोन चलाने बैठा है कुछ काम नहीं करता पूरा दिन ही है सिर्फ अपनी उंगली बताता है कि दर्द लगी मेरे को अभी भी बताओ उंगली लगी दर्द सीट लगाने को थी पहले ये आपने को नहीं थी नहीं थी नौ तीन बार आता नौ एक, दो एक था। और एक नौ दो ग्यारह को बारह तो अभी हम लोग आए थे पानी भरने के लिए और अब जाके खाना वगैरह बना के हो गई फ्री और अभी बज रहे 6:30 हमारे घर में थोड़े से मेहमान आए इसके ताई वगैरह और ये जाएगा शाम को बर्थडे पार्टी में सब मतलब मम्मी पापा ये बस हो गया आज का ब्लॉग ठीक ठाक बढ़ा है आज का ब्लॉग मतलब बना थोड़ा ठीक ठाक सो कल से भी शायद ही बनेगा थोड़ा ठीक ठाक क्यों जो होता है अच्छे के लिए होता